आपके इस टेक्निकल क्लास में मैं पप्पू कुमार और सभी छात्र छात्राओं को स्वागत करता हूं। आज हम आकार के अनुसार फाइल कितने प्रकार के होते हैं, इस टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। आकार के अनुसार फाइल कितने प्रकार के होते हैं, आकार है क्या, आकार के अनुसार फाइल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आज आप इनके बारे में बताएंगे। देखिए, आकार होता है कि फाइल बहुत प्रकार का होता है। बहुत फाइल होता है कि फ्लैट फाइल होता है, पूरा नहीं चौखुट होता है। बहुत होता है हैंड फाइल होता है, वर्गाकार फाइल होता है जो कि चौखुट होगा, पूरा चौकोर होगा। बहुत फाइल ऐसा होता है कि गोल रहता है। बहुत फाइल होता है कि अर्धगोलाकार आकार का होता है, त्रिभुजाकार आकार का होता है, चाकू आकार का होता है। ये सब क्या हुआ, आकार हुआ यानी फाइल का, ठीक है, ये आकार हो गया। अब आकार कितने प्रकार होता है, नंबर एक, एक फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल हो गया। दो नंबर आपका हो गया हैंड फाइल, हैंड फाइल। तीन नंबर आपका हो गया वर्गाकार, वर्गाकार फाइल। आपका चार नंबर हो गया गोलाकार फाइल, गोलाकार फाइल हो गया। आपका पांच नंबर हो गया अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार फाइल। आपका छह नंबर हो गया त्रिभुजा, त्रिभुजाकार फाइल। सात नंबर हो गया आपका नाइफ एज फाइल। ये हो गया, ये मुख्य रूप से आपको आकार के अनुसार जो फाइल है, ये आपका सात प्रकार का है। फ्लैट फाइल हो गया पहला, दूसरा आपका हैंड फाइल, तीन नंबर आपका वर्गाकार जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर फाइल, चार नंबर आपका हो गया गोलाकार जिसको आप राउंड फाइल बोलते हैं, राउंड फाइल। ये हो गया आपका पांच नंबर अर्ध गोलाकार यानी कि हाफ हाफ राउंड फाइल। और आपका छह नंबर हो गया त्रिभुजाकार, ट्रिंगुलर फाइल, ट्रिंगुलर फाइल। और आपका सात नंबर हो गया नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल, ये आपका सात प्रकार का फाइल हुआ। अब डिस्कस करना है ये सातों फाइल पर, लेकिन सीरियली अनुसार करेंगे। पहला आपका हो गया फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल। अब फ्लैट फाइल कहते किसको है, फ्लैट फाइल है क्या, फ्लैट फाइल का फिगर बनाते हैं आप छोटा छोटा, क्योंकि समय ज्यादा लग जाता है, इसलिए ये आपका फ्लैट फाइल है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट फाइल। अब फ्लैट फाइल कहता किसको है, इस पर ध्यान दीजिए, इसको एक तरह का चपटी फाइल भी बोलते हैं। इस फाइल का उपयोग
आंतरिक तथा बाहरी सतहों को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। इस फाइल का चौड़ाई ये जो यहाँ तक है ये चौड़ाई जो है आपको 2/3 और उसके बाद आप यहाँ से जो ये साइड टेपर जो किया हुआ है यहाँ से अगर टेपर है ना ये जो टेपर है आपको 1/3। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा चौड़ाई 2/3 टेपर रहेगा और उसके बाद यहाँ से लेकर के ये साइड जो ये हल्का टेपर है ये 1/3 रहता है। लंबाई का समांतर तथा 1/3 और फाइल का चौड़ाई वो 2/3 पॉइंट की तरह टेपर होती है। इसके फेस पर डबल कट तथा किनारे में सिंगल कट दांतें कटी होती है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको डबल कट है, देख रहे हैं आप ये साइड से भी कटिंग किया हुआ है और ये साइड से भी कटिंग किया हुआ और इसके किनारे जो है ये साइड में आपको सिंगल कट कटा हुआ रहेगा। इस तरह ऊपर फेस पे आपको डबल कट और ये साइड में सिंगल कट कटा हुआ रहता है, इसी को आप हम लोग फ्लैट फाइल बोलते हैं। नंबर दूसरा है कि हैंड फाइल किसे कहते हैं। हैंड फाइल इस फाइल के फेस डबल कट दांते कटे होते हैं, ठीक है, जिस तरह इसमें कटा हुआ रहता है उसी अनुसार इसमें भी कटा हुआ रहता है हैंड फाइल में भी, और एक किनारे पे एकहरा कट रहता है, एकहरा मतलब कि एक कटा हुआ रहता है और दूसरे किनारे पर दूसरा किनारा जो होता है सुरक्षित होता है। इसी कारण से इसका प्रयोग ऐसी सतह पर किया जाता है जो कि पूर्व में ही समकोण पर बनी हुई शुद्ध साइड को बचाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि ये साइड हुआ और ये जो हैंड फाइल में होता है ना इस यहाँ पे कटिंग किया हुआ नहीं रहता। इससे फायदा क्या होता है, यदि कोई भी जॉब इस अनुसार बना हुआ है, ठीक है, यदि हम यहाँ फाइलिंग करेंगे, इसको यदि हम फाइलिंग कर रहे हैं हैंड फाइल से, यदि ये साइड में मेरा दांत कटा हुआ नहीं रहेगा ना हेक्सा में फाइल में, तो ये साइड वाला जो मेरा मटेरियल है इसमें मेरा नहीं घिसेगा। इसीलिए हैंड फाइल में इस तरह होता है और फ्लैट फाइल में क्या होता है, यहाँ भी दांत कटा हुआ रहता है और उसके अनुसार यदि फाइलिंग कीजिएगा ये साइड में आपको कटिंग कर देगा वो, ठीक है। यही अंतर है दोनों में, हैंड फाइल और फ्लैट फाइल में, दो हो गया। तीन नंबर वर्गाकार फाइल। इस फाइल का उपयोग आंतरिक वर्गाकार कोने, आयताकार छिद्र या चाबी के घाट काटना हो या तो फिर स्पाइलाइट रेतने के लिए उपयोग करना हो, इसका अनुप्रस्थ कट वर्गाकार होता है, यानी कि ये फाइल होता है ये आपको चौकोर होगा इस अनुसार। इस समय 4 फुट होगा, सस्ते इस तरह होगा। ये आपका हो गया स्क्वायर फाइल कहते हैं। तीन नंबर आपका खत्म। चार नंबर है गोलाकार फाइल जिसे राउंड फाइल बोलते हैं। ये तो गोलाकार फाइल, इस फाइल का उपयोग वृत्ताकार छिद्रों को बड़ा करने के लिए तथा फ्लेट द्वारा रूपरेखा को रेतने में किया जाता है। इसका अनुप्रस्थ कट वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार कहने मतलब गोल होता है। इस अनुसार रहेगा।
ठीक है, इसका कटा हुआ किस तरह है, इस तरह कटा हुआ रहेगा, इस अनुसार कटिंग किया हुआ रहेगा। ये हुआ आपका राउंड फाइव, ठीक है। ये गोलाकार आपका क्या हो जाएगा, राउंड फाइव हो गया आपका। पांच नंबर आपका हो गया अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार फाइल, अर्ध गोलाकार फाइल किसे कहते हैं। ये राउंड है, ये हाफ राउंड है। इस फाइल का उपयोग आंतरिक वर्गाकार सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। किस फाइल का, अर्ध गोलाकार, इसे हम हाफ राउंड फाइल कहते हैं। इसका अनुप्रस्थ काट अर्ध गोलाकार के आकार की तरह होता है, ये भी इसी तरह होता है, लेकिन इसका अनुप्रस्थ काट इस तरह नहीं हो करके ये किस तरह होगा, इस तरह हाफ राउंड, इस तरह। इससे पता चल जाता है कि ये फाइल क्या है, हाफ राउंड है। सिक्स नंबर, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार फाइल, त्रिभुजाकार फाइल, इस फाइल का उपयोग 60 डिग्री से अधिक कोण को रेतने के लिए किया जाता है। इसका अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार होती है, यानी कहने का मतलब त्रिभुजाकार फाइल जो होता है इस तरह होता है, इस तरह, इस तरह दांत कटा हुआ रहता है सर में। इसका अनुप्रस्थ काट जो होता है इस अनुसार होता है, इस तरह त्रिभुजा का। इससे आपको हरेक एक अति जो होता है इसका फाइलिंग करने के लिए 60 डिग्री से अधिक वाला कोण को रेतने के लिए हम इसका यूज करते हैं, त्रिभुजाकार फाइल। अब सेवन नंबर है नाइफ एज फाइल, क्या है, नाइफ एज फाइल। नाइफ एज आपको बात से ही पता चलता है कि ये नाइफ मतलब कि चाकू जैसा होता है, चाकू जैसा जो फाइल होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाइफ एज फाइल। इस फाइल का उपयोग सकरे, कहाँ, जहाँ पे कंजेस्टेड जगह है वहाँ पे खांचों एवं 10 डिग्री से अधिक के कोनों को रेतने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नाइफ एज फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे सकरा जगह है, जहाँ पे 10 डिग्री से अधिक कोण वाले, 10 डिग्री का यदि कोण रहता है उस कोण में यदि फाइलिंग करना पड़ेगा तो उस स्थिति में हम नाइफ एज फाइल का हम प्रयोग करेंगे। इसका अनुप्रस्थ कट कैसा होता है, त्रिभुजाकार जैसा होता है, इस अनुसार देखिए नाइफ एज फाइल जो है ये इस अनुसार बना हुआ रहेगा, ध्यान दीजिए इस अनुसार फाइल रहेगा, ठीक है। और ये जो है चाकू जैसा इस तरह बना हुआ रहेगा, यहाँ से इस तरह इसे करके ये लेगा, ये चाकू ही बना हुआ है, लेकिन ये चाकू नहीं है, ये फाइल है, लेकिन आकार में उसी तरह बना हुआ रहता है नाइफ एज जैसा, देखिए इस तरह। ये आपका फाइल है नाइफ एज फाइल, देखिए इस तरह। और इसका अनुप्रस्थ कट जो होता है दिच्छन त्रिभुज होता है, यानी कि ये टाइप, ठीक है। ये आपका फाइल का सभी भाग कंप्लीट हो गया, पिछले क्लास में हम इसको ग्रेड के अनुसार बताए थे, अब शेप के अनुसार हो गया। मुख्य रूप से फाइल चार प्रकार के अनुसार होता है, कट के अनुसार, ग्रेड के अनुसार, लेंथ के अनुसार, शेप के अनुसार, ये चारों फाइल अलग हो गया। एक स्पेशल फाइल होता है, स्पेशल फाइल कहने का मतलब कि आपको नीडिल फाइल होता है, क्या है, नीडिल, नीडिल फाइल, ये नीडिल फाइल।
अब निरील फाइल कहते किसको है? इस फाइल का जो है, निरील फाइल का प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म तथा हल्के कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? नीडल फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं? अब कोई पूछ देगा इसका परिभाषा कि नीडल फाइल क्या चीज़ होता है, इसके बारे में तो बताना पड़ेगा, इसलिए फिर दोहरा देते हैं। इस फाइल का प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म तथा हल्के कार्यों के लिए करते हैं। ये फाइल तथा हल्के कार्यों के लिए तो होता ही है, लेकिन ये फाइल बास्टर और स्मूथ में उपलब्ध भी होता है। यानी बास्टर मतलब कि छोटा छोटा फाइल होता है, लेकिन ये फाइल बास्टर में होता है, ज़्यादा मटेरियल कटिंग करने के लिए भी होता है और कम स्मूथ करने के लिए भी इस फाइल का उपलब्ध है। ठीक है, ये फाइल एक सेट में मिलती है। नीडल फाइल क्या होता है? अलग अलग नहीं मिलता है, इसको एक सेट होता है। ठीक है, एक सेट में मिलती है जिसमें 12 पीस होता है। कितना होता है? कोई पूछ देगा कि नीडल फाइल का एक सेट में कितना फाइल होता है? तो 12 पीस। कितना पीस? 12 पीस होता है। सभी फाइल अलग अलग आकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कि 12 पीस है तो राउंड फाइल है तो सब एक ही आकार का होता है, वैसा है सेट में अलग हो जाएगा। ठीक है, बहुत राउंड रहेगा, बहुत नाइफ एज फाइल रहेगा, बहुत रिंगुलर होगा, बहुत गोलाकार होगा। ठीक है ना, ये सब आकार के होता है। 12 पीस रहेगा यानी कि 12 टाइप का होगा। ठीक है, ये प्रकार होगा। अब कोई पूछ देगा कि नीडल फाइल कितने प्रकार का होता? 12 प्रकार का होता है। ठीक है, अब कौन सा प्रकार होता है? नंबर एक देखिए, ध्यान दीजिए, गोल किनारा वाला फाइल हो गया। ठीक है, नंबर दूसरा फ्लेट किनारा वाला फाइल हो गया, और तीन नंबर फ्लेट किनारा वाला टेपर फाइल होगा। देखिए, नंबर चार अर्ध गोला वाला फाइल होगा, नंबर पांच त्रिभुज फाइल होगा, नंबर सिक्स स्क्वायर फाइल होगा, नंबर सेवन गोल फाइल होगा, नंबर एट चाकू आकार का फाइल होगा, नंबर नाइन फेदर फाइल होगा, नंबर दस नंबर क्रशिंग फाइल, नंबर ग्यारह वायरेट फाइल, नंबर बारह मार्किंग फाइल। ये सब जो होता है, ये फाइल का प्रकार है यानी कि आकार होता है। ये नीडल फाइल बता दिए थे, फिर से समझ लीजिए। इस फाइल का प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म तथा हल्के कार्यों के लिए इस फाइल का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये फाइल जो होता है बास्टर्ड और स्मूथ में उपलब्ध होता है। बास्टर्ड में भी होता है और स्मूथ में भी होता है, ग्रेड में भी होता है। ठीक है, ये सब तीन आकार में फाइल उपलब्ध है। ये फाइल एक सेट में मिलती है, ये एक सेट रहता है सब बना हुआ, एक ही सेट में सबका एक से एक नंबर से लेकर के 12 नंबर तक इसमें उपलब्ध रहता है। और उसके बाद नीडल फाइल की लंबाई, ये जो नीडल फाइल है, देखिए नीडल फाइल की लंबाई, नीडल फाइल की लंबाई कितना था? 120 mm, ध्यान दीजिए, 120 mm से
180 mm तक उपलब्ध होता है। क्या होता है, कोई यदि पूछ देगा कि निडल फाइल जो होता है, निडल फाइल की लंबाई एक तो हो गया कि 12 नंबर तक होता है, एक नंबर से लेकर 12 नंबर तक आपका उपलब्ध है, लेकिन इसका साइज क्या है, तो कम से कम 120 mm, ज़्यादा ज़्यादा 180 mm तक ये उपलब्ध होता है। और निडल फाइल का ग्रेड, यानी कि वह पूछ देगा कि निडल फाइल का ग्रेड कौन सा ग्रेड में, ये दो ग्रेड में पाया जाता है। निडल फाइल कितना है, दो ग्रेड में पाया जाता है। ठीक है, निडल ग्रेड कौन सा है, दो ग्रेड में। पहला है कि एक नंबर हो गया वास्टर्ड, ठीक है, नंबर दूसरा हो गया स्मूथ, ठीक है, ये दो हो गया, एक दो गया एक सीयू जीरो, एक हो गया प्लस टू, ये दो फाइल होता है। और निडल फाइल की पहचान कैसे कीजिएगा, निडल फाइल का मान लीजिए दे देते हैं आपके सामने, उसको कैसे पहचानिएगा, हाँ ये निडल फाइल है। या तो फिर निडल फाइल की पहचान तीन तरह से कर सकते हैं, निडल फाइल का पहचान तीन तरह से कर सकते हैं, तीन तरह से कर सकते हैं, कौन कौन तरह से कर दिएगा। पहला नंबर कट का ग्रेड से कर सकते हैं, नंबर दो नंबर नॉमिनल लंबाई से कर सकते हैं, नॉमिनल लंबाई से कर सकते हैं, नंबर तीसरा क्या से BIS नंबर से, क्या कर सकते हैं BIS नंबर से, ठीक है। ये तीन तरह से जो है आप निडल फाइल का पहचान कर सकते हैं। अब देखिए नॉमिनल लेंथ निडल फाइल किस तरह बना हुआ रहता है, इसको हम डायग्राम बना करके बता देते हैं। ये आपका निडल फाइल का इस तरह बना हुआ रहता है, ठीक है, और ये हाँ सर। अब देखिए ये साइज यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया नॉमिनल लेंथ, क्या हो गया नॉमिनल लेंथ हो गया। अब देखिए यहाँ तक है, ये जो क्या वही क्या है नर्लिंग क्या हो रहता है, ये आप क्या है नर्लिंग, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ अलग होता है, इसको हम फाइल लेंथ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं फाइल ली, इसको फाइल लेंथ बोल सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं टैंग लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका ये देखिए ये जो है शोल्डर बोल सकते हैं, एस शोल्डर, ये जो आपका यहां से लेकर ये जो है इसको क्या कहिएगा टैंक बोल सकते हैं, आपका ये जो है इसको आपको पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। एक और देखिए ध्यान दीजिए, इस अनुसार जो है ये इसको क्या बोलते हैं एच ई डी जी ई एज है,
ये जो है पूरा डिटेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फाइल में कहीं भी किसी तरह के कोई नहीं छूटा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को इसके जो भी फाइल पर क्लास हुआ है उससे ऑब्जेक्टिव जो भी बचा हुआ है सभी ऑब्जेक्टिव क्लास को ऑब्जेक्टिव हम आपको सॉल्व कराएंगे, और इसके लिए